गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर सौरभ सर फ्रॉम इंटरनेशनल देवी पब्लिक स्कूल सुल्तानगंज भागलपुर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट नंबर। नंबर मीन्स दैट रेफर्स द काउंट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नंबर वह शब्द है जो नंबर क्या करता है, तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की गिनती को बताता है, उसकी संख्या को बताता है कि नाउन और प्रोनाउन कितने हैं, एक है या एक से अधिक है। अगर यहाँ पे हम बुआ अगर लिखें तो इससे एक लड़के का बोध होता है। अगर हम लोग इसमें अगर एस लगा दिए, बॉयज हो गया, दैट मीन्स मोर देन वन। वी कैन से दैट द नंबर रेफर्स टू द काउंट ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। हम कह सकते हैं कि वचन जो होता है, नंबर को हिंदी में वचन बोलते हैं, वचन जो होता है वह संज्ञा और सर्वनाम की गिनती को बताता है। किसको बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की गिनती को बताता है। काइंड्स ऑफ नंबर वचन के कितने भेद हैं? तो वचन के दो भेद हैं। एक में एक को बोलते हैं सिंगुलर नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं एक वचन। दूसरा है प्लुरल नंबर, इसको बोलते हैं बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, हम लोग पहला का डिफिनेशन देखेंगे सिंगुलर नंबर का। सिंगुलर नंबर क्या करता है? तो डेट डिनोट्स और नाउन ऑफ पर्सन और पर्सन और थिंग्स। सिंगुलर नंबर डिनोट्स ऑफ पर्सन और थिंग। सिंगुलर नंबर क्या करता है? तो सिंगुलर नंबर तो नाम से ही स्पष्ट है, एक वचन, दैट मीन्स कि एक का बोध करेगा, एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध करेगा। सिंगुलर नंबर एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध करता है। अगर हम लोग बोले देयर इज अ बॉय, लड़का है, कितना लड़का है? तो एक लड़का है। कितना लड़का है? एक लड़का है। अगर हम लोग यहाँ पे बोले आई हैव अ काउ, मेरे पास गाय है, लेकिन गाय कितनी है? तो एक है। तो सिंगुलर नंबर क्या करता है? तो एक नाउन के विषय में बताता है। कितने नाउन के विषय में बताता है? एक नाउन के विषय में बताता है। अब चलिए सेकेंड हम पढ़ेंगे प्लुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे? प्लुरल नंबर। प्लुरल नंबर denotes more than one person or thing। प्लुरल नंबर क्या करता है? तो प्लुरल नंबर एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के का बोध करता है, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध करता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग बोले आई हैव काउ, मेरे पास गायें, क्या है? गायें हैं। तो नाउन में जब एस या ईएस लगा देते हैं तब वो प्लुरल हो जाता है। आप देख रहे हैं कि जब नाउन में एस या ईएस लगा देते हैं तब यह प्लुरल हो जाता है। अगर हम लोग बोले They have red boxes। एक वचन में क्या हो जाएगा? He has a box। उसके पास क्या है? तो एक बक्सा है, he has, और red box कर दीजिए, red box। उसके पास एक लाल बक्सा है, और यहाँ पे क्या हो गया? उन लोगों के पास लाल बक्से हैं।
या यहां भी आप लिख सकते हैं ही हैज रेड बॉक्सेस, उनके पास लाल रंग की लाल रंग के बक्से हैं, डेट मीन्स की बहुत सारे बक्से हैं। नाउन में जब एस या एस लगा दिए, यहाँ पे देखिए बॉक्स में एस लगा दिए तब यह पुल्डर बन गया, यहाँ पे सिर्फ एस लगा दिए तो यह पुल्डर बन गया। तो आपको वचन वचन जो हम अभी बताएं, वचन में क्या होता है, तो वचन नंबर क्या करता है, नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो द नंबर रेफर्स टू द काउंट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नंबर क्या करता है, तो वह संज्ञा या सर्वनाम की गिनती को बताता है। नंबर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, सिंगुलर नंबर एकवचन, प्लूरल नंबर द्विवचन, बहुवचन। दैट मींस कि जो सिंगुलर नंबर डिनोट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। सिंगुलर नंबर क्या करता है, एक नाम या प्रोनाउन का एक नाम या प्रोनाउन का बोध करता है। प्लूरल नंबर क्या करता है, तो प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन। प्लूरल नंबर क्या करता है, तो एक से अधिक नाम या प्रोनाउन का बोध करता है। एग्जांपल देकर के मैं आपको समझा दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डॉट सो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।